सर लाइव में थोड़ा पीछे चलता है इसलिए लाइव नहीं। आवाज़ आ रही है क्या सबको? हाँ गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस वॉइस क्लियर है ना? मेरा रिप्लाई करो। सबको आवाज आ रहा है?
देखो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल दिए थे ना मैंने एनालिसिस वीडियो में, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है मार्केट, यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। फोर्टी 47,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर था उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी। अभी नीचे जाएगा तो ये वाले लेवल्स आएंगे। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करता है ना तो ये नीचे के लेवल है जो एनालिसिस में मैंने बोला था, ये नीचे के लेवल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी अभी देखो वोलाटाइल हो रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, अभी एक रेंज बना चुका है यहाँ पे। ये कैंडल नीचे भी गया, ये ऊपर भी गया, इसी रेंज में घूम रहा है अभी तक। तो अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। यहाँ से जब ब्रेक डाउन कर रहा था ना तो मुझे लग रहा था यहाँ तक आएगा, एक छोटा सा स्कैल्प लिया था मैंने। यहाँ से जब ब्रेक किया ना तो मैंने एक स्कैल्प लिया था, यहाँ यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया मैंने। आप लोगों को नहीं दिया था मैंने, सिर्फ 920,950 का जो स्ट्राइक था वो आपको ऐड करने के लिए बोला था मैंने, लिस्ट करने के लिए। कंफर्म नहीं है अभी तक, अगर मिलेगा तो देंगे, मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। अभी तक दिया नहीं मैंने, लिस्ट करके रखो उसको। अगर एंट्री देगा तो लेंगे हम उसे। और निफ्टी अगर ऊपर निकला तो ये वाले ऊपर के लेवल है जो ग्रुप में मैंने शेयर किया है, और अपना जो ये वाला टारगेट है ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे ले लेता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा डाउन साइड ट्रेड कर रहे तो ये निफ्टी को भी नीचे खींचेगा। देखो ये पैटर्न जो बोला था ना मैंने एनालिसिस में, इसका ब्रेकआउट दिया, मतलब गैप अप ही ओपन होके ब्रेकआउट दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे जो कल का हाई जो बनाया था ना, ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में, उसका रेजिस्टेंस लेके नीचे आया मार्केट। मुझे लग रहा था यहाँ पे अगर गैप अप हो रहा है ऊपर अगर जाएगा ना, यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो ये वाले लेवल्स आ सकते थे आज, इसलिए मैंने अपर साइड के लेवल भी ड्रॉ करके दिए थे। नीचे के तो लेवल है ही अपने पास बैंक निफ्टी में। स्ट्रीम ज़्यादा डिले तो नहीं चल रहा है ना? गुड मॉर्निंग अतुल जी, सबको गुड मॉर्निंग। अगर कॉल साइड का भी कुछ ट्रेड मिलेगा ना आज तो क्वांटिटी कम रखना आज, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर अपने को लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आज तो ज़्यादा बड़े टारगेट मत रखना, छोटे छोटे टारगेट बुक कर लेना। अगर मिलता ही है अपर साइड के लिए तो, जिसके चांसेस तो बहुत ही कम लग रहे हैं मुझे आज, या तो मार्केट इसी रेंज में है ना टाइम पास करके करता रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर थोड़ा सा बाउंस करेगा, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस करके नीचे आएगा, ऐसे ही हो सकता है ज़्यादातर आज साइडवेज।
अभी बैंक निफ्टी में प्रीमियर मीटिंग चालू है, यहाँ पे अगर देखेंगे ऊपर के और नीचे के जो है ना सेलर्स यहाँ पे 47 पे आके बैठे होंगे, रेंज सेल करके बैठे हो, आराम से प्रीमियम खा रहे होंगे। क्योंकि दो तीन दिन से जो आप मूव आए ना उसमें प्रीमियम जो बढ़ गए कॉल साइड के, वो तो कॉल शॉर्ट करके बैठे आराम से, जितना मार्केट टाइम स्पेंड करेगा आज एक्सपायरी है तो उतना मेल्ट होता रहेगा प्रीमियम, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है बैंक निफ्टी सेलर्स को। बायर को आज बैंक निफ्टी में कुछ नहीं मिलेगा, निफ्टी कोशिश तो कर रहा है सस्टेन करने की। ऊपर के लिए भी ज़्यादा टारगेट नहीं दिख रहे आज, तो आज वेट एंड वॉच करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा, तब जाके कहीं पे ट्रेड मिलने वाला है। देखो ये प्रीमियम जो मैंने बोला था ना कहीं पे नहीं जा रहा है, वो इधर ही घूम रहा है। एक ये वाला जो मूवमेंट आया था ना, ये थोड़ा सा मैंने छोटा वाला स्कैल्प किया था, ये कैप्चर किया मैंने। थोड़ा रिस्की था इसलिए मैंने दिया नहीं था, क्विक ट्रेड था थोड़ा सा। कॉल साइड क्या कर रहे देखते हैं। 20,900 का कॉल क्या है, इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। 20,900 का कॉल जो है ना सी, इसको वॉच लिस्ट में रख लो। ओपन इंटरेस्ट अगर देखेंगे 21,000 पे देखो सबसे ज़्यादा हुआ है बिल्डअप है, 1,33,00,000 यहाँ पे देख रहे हैं, 1.33। ये 21,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है निफ्टी में, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है एक बार 21,000। और पुट साइड में अगर देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 20,900 सबसे ज़्यादा हुआ है बिल्डअप यहाँ पे नज़दीक वाला। ये सपोर्ट का काम करेगा तो अपने लिए 900 जो है ना यहाँ पे, ये जो लो यहाँ से बाउंस किया ना मार्केट ने, यहाँ पे पुट राइटर बैठे हैं 900 में। तो जब तक इनके एसएल नहीं कटेंगे ना मार्केट नीचे नहीं जाएगा, या तो 21,000 जो है यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठा है उनका एसएल कटना चाहिए, तब भी मार्केट कहीं पे डायरेक्शन लेगा। यहाँ पे देखो ये 20,900 पे पुट राइटर बैठा है और यहाँ पे जो है कॉल राइटर बैठा है, इस रेंज में से बाहर निकलना चाहिए मार्केट। देखो लेवल्स कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं, ये वाला बोला था ना मैंने इसके नीचे सेल करना है, देखो अभी ये
फर्स्ट टारगेट, यहाँ से किसी ने पुट लिया होता यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट मिल जाता बैंक निफ्टी का। देखो अभी ऑप्शन चेन में देखो 900 पे आया ना मार्केट, यहाँ पे कैसे बाउंस लेता है देखो, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बैठा है, यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट के लिए, इसीलिए यहाँ से एक बार बाउंस किया। अभी नीचे आने की सेलर जो है कोशिश कर रहे हैं, बायर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पुट राइटर जो है। ये वाला वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया ना सबने, 20,900 का। निफ्टी में देखो अभी ये एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, एम दिख रहा है ना अभी, यहाँ से ये डबल टॉप हो गया ये वाला, दिख रहा है क्या ये हम सबको काइंड ऑफ, ये डबल टॉप भी हो गया और ये एम पैटर्न भी फॉर्मेशन हो गया है ना। मार्केट दिखा रहा है, मैं होल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसा। निफ्टी का बैंक निफ्टी का देखो लगभग टारगेट आ चुका है, फर्स्ट टारगेट जो था, जिसने भी यहाँ से पुट बाय किया होगा अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मिल गया होगा बैंक निफ्टी में, और जिसने यहाँ से किया होगा उसको भी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का मूव तो नीचे साइड हो गया है बैंक निफ्टी में, निफ्टी भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे 900 पे पुट राइटर है। अगर नीचे भी आया तो यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, यहाँ से बाउंस कर सकता है एक बार, ये गैप फिल अगर करने आया ना। अभी कोई भी कॉल पुट कुछ भी लेगा नहीं, अभी तक मार्केट में कुछ भी बना नहीं है कॉल साइड ना पुट साइड, अभी मार्केट साइडवेज है। तो स्क्रीन के सामने अगर हो ना तो बैठना सीखो पहले, ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीखो। अभी बहुत लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होता होगा, देखा होगा ये पहला 5 मिनट का कैंडल है उसका लो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे सब बहुत सारे लोग घुसे होंगे और अभी तक वो लॉस होल्ड करके बैठे होंगे, अब आएगा नीचे, अब आएगा नीचे, अब आएगा, यहाँ तक तो बहुत सारा लॉस तो उनको दिखा दिया होगा, या तो लॉस में पोजीशन कट किया होगा।
देखो ये पुट जो मैंने लिस्ट करने के लिए बोला था 67 का लो मार चुका है, 67 लो लगा चुका है, अभी 80 90 90 पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी भी अभी तक वहीं पे है, फर्स्ट टारगेट के पास ही है। देखो यहाँ पे ट्रेड दे सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से मुझे उम्मीद है कि एक बाउंस आएगा। यहाँ पे जाके कितने पॉइंट्स है, समझो 895 ना, वहाँ से लेके 860, तो अननेसेसरीली ये सिर्फ अकाउंट में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगा, तुरंत माइनस में चला जाएगा। तो ऐसे ट्रेड में घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है। स्कैल्पिंग में फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, फटाक से घुसे फटाक से बाहर निकले। इसलिए सुबह मुझे जो एक अपॉर्चुनिटी दिखा था यहाँ पे, मैंने फटाफट एक स्कैल्प कर लिया। बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश ही है। अच्छा नीचे आ गया, निफ्टी को भी फ्यूचर्स में 900 पे अच्छा सपोर्ट है। देखो यहाँ से फिर से एक बार बाउंस हो गया, वाई वाई बिल्डअप का क्या है। देखो यहाँ पे ये वाला पुट राइटर है, ये वाले कॉल राइटर है, ये वाला स्कैल बन सकता था। अभी देखो यहाँ पे हाई कितना लगाया है इसने, 102 का, तुरंत नीचे आ गया 92 91 90। एक बार स्ट्रीम को लाइक कर दो सब, और शेयर भी कर दो अगर कोई है ट्रेड करने वाले दोस्त जो लॉसेस फेस कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई फ्रेंड रहेगा तो उनके लिए शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ लर्निंग भी हो जाएगी उनकी अर्निंग के साथ में। कल कल ग्रीन में कौन कौन था, ग्रीन में क्लोजिंग किसका किसका हो गया कल?
लिंक शेयर कर देता हूँ मैं एक बार। कोई नए होंगे ना अपने दोस्त वगैरह, उनको शेयर कर दो ये वाला लिंक, टेलीग्राम का भी और लाइव स्ट्रीम का, यूट्यूब का भी। तो अपने यूट्यूब के एनालिसिस वीडियो को लाइक शेयर नहीं, लाइक और ये नहीं कर रहे हो आप, कमेंट नहीं कर रहे हो उसमें, एनालिसिस अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे। सब लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को एक बार। देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, लाइक नहीं मिल रहा है अभी। जितने लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दो। देखो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, वीडियो वीडियो के नीचे शेयर करने के लिए पैसे नहीं लगते आपको, सिर्फ 2 मिनट का काम है। ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो कोई तो लाइक कर रहा है अपने, मेरे लेवल्स को, मेरे एनालिसिस को लाइक कर रहा है, कोई अप्रिशिएट कर रहा है। मुझे भी मज़ा आता है फिर वीडियो बनाने में। इसलिए स्ट्रीम को भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपना चैनल जो है यूट्यूब का, और टेलीग्राम को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो लॉस मेकिंग जो भी होंगे ना अपने साथी, अपने दोस्त फ्रेंड्स, उनको भी शेयर करो, तो वो भी थोड़ा बहुत लॉसेस, अगर मुझसे हेल्प मिल सके उनको प्रोसेस रिकवर करने के लिए तो हेल्प हो जाएगी। देखो बहुत सारे चैनल है यूट्यूब, ये टेलीग्राम वाले बहुत सारे पेड सर्विस वगैरह, प्रीमियम ग्रुप्स बना के सर्विस बेच रहे हो। तो अपने टेलीग्राम चैनल पे देखो फ्री में मिलता है, कोई चार्जेस नहीं लेता है, और मेरा ना कोई प्रीमियम ग्रुप भी है ना, मैं सोच भी रहा हूँ कभी बनाने का, तो अभी तक तो नहीं सोचा है। फ्री में अगर लर्निंग भी मिल रहा है और अर्निंग भी हो रहा है, अननेसेसरी अगर आपका ओवर ट्रेडिंग जो है वो भी कम हो रहा है, जो अननेसेसरी आप लोग ट्रेड लेते हो, और थोड़ा बहुत अगर मुझसे अगर लर्निंग आपका बेनिफिट हो रहा है आपको लर्निंग में, तो अच्छी बात है। अगर ऐसे कुछ रहेंगे अपने साथी तो उनके लिए भी मदद हो जाएगी। ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो।
देखो 900 से फिर से एक बार बाउंस किया मार्केट ने यहाँ से, लेकिन सेलर्स जो है ना प्रेशर बना रहे बायर्स के ऊपर। सेलर ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, मतलब कॉल राइटर जो है ना वो ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने के लिए। वेट वेट वेट, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। लंबा वेट करना पड़ेगा आज। देखो बैंक निफ्टी भी जो है इस रेंज में फंस गया है अभी, ये पूरा जमकर प्रीमियम मीटिंग चालू है। प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी का भी है क्योंकि कल निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो निफ्टी का भी प्रीमियम मीटिंग ही चल रहा है अभी फिलहाल। सेलर का डे आज लग रहा है मुझे। देखो लगभग 10:22 होते आ रहा है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, एक ही रेंज में मार्केट इसी रेंज में। बस रेंज बना के बैठा है मार्केट, ये वाला लो लगा चुका है 20,880 का, पकड़ के चलो। अभी देखो इस तरह से एक प्राइस एक्शन दिख रहा है अभी, ये रुकेंगे अभी कंफर्म नहीं है, लग रहा है मुझे बस ऐसा, कंफर्मेशन नहीं है अभी कुछ भी। प्रीमियम देखेंगे अभी क्या कर रहा है। प्रीमियम तो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्लो एंड स्टेडी ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है ये प्रीमियम। देखो इसका हाई कितना है, 106, 108 का। डिफेंड कर रहे हैं इधर
900 वाला जो फुट राइटर है ना, वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है लेवल। फाइट चल रही है अभी यहाँ पे, इस लेवल पे फाइट चल रहा है। देखो बैंक निफ्टी में ये टारगेट आ गया, देखो ये वाला, ये कैंडल, ये वाला टारगेट लगभग आ गया। अभी इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा तो ये टारगेट रहेगा सेकंड, ये टारगेट रहेगा थर्ड बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का कोई करता है क्या अपने ग्रुप में, कोई है क्या बैंक निफ्टी करने वाला? बैंक निफ्टी कौन कौन करता है बताओ जरा। लगता है अपने ग्रुप में कोई नहीं है बैंक निफ्टी लवर। सब निफ्टी निफ्टी करते हैं। सुबह सुबह कौन पी में कौन लॉस ले चुका है, जिसने पुट साइड का कॉल लिया था, पुट साइड लिया था और लॉस कौन कर चुका है अभी तक बताओ? जिन्होंने ये कैंडल देख के पुट लिया और यहाँ पे एसएल दे दिया, कितने जनों ने पुट साइड का एंट्री बनाया था सुबह? जो यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे ओके। सौरभ भाई और कौन था जिसने लॉस लिया है पहले ट्रेड में? पी साइड का लॉस किसने लिया ये सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा अभी? एंट्री अभी तक बना नहीं था आपने, सिर्फ कैंडल देख के लिया था एंट्री। चलो मार्केट नीचे जा रहा है, पी ले लेते हैं, ऐसा सोच के लिया था। देखो बैंक निफ्टी का टारगेट आ गया है, फर्स्ट टारगेट डन हो गया है, टारगेट की तरफ बढ़ रहा है मार्केट बैंक निफ्टी में। निफ्टी ने अभी तक ये लो ब्रेक नहीं किया, ये जो लो है ना फर्स्ट, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं किया। बारह सौ लॉस लिया, ट्रेड लेने के लिए जल्दी मत किया करो। सुबह पहले कैंडल दूसरी कैंडल पे कभी ट्रेड मत लिया करो। सुबह सुबह मार्केट वोलाटाइल होता है, मार्केट को पहले सेटल होते जाने दो,
जब सेटल होगा फिर ट्रेड का सोचते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट सपोर्ट पे बाउंस ले रहा है बार बार। अगर यहाँ पे एंट्री लिया तो SLB जा सकता है और थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हो जाएगा ये। ये वाला जो है ना, ये जो लो है ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, यहाँ से बाउंस आ रहे हैं बार बार। परसों मैंने जो ये दिया था BTST के लिए, बैंक निफ्टी का दिया था मैंने, सिर्फ एक ही ग्रुप में एक ही मेंबर था शायद उसने लिया था, बाकी कोई था क्या उसमें? BTST जो मैंने बोला था लाइव मार, ये इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने वॉइस मैसेज डाला था, 50 या 60 रुपये जो भी प्रीमियम चल रहा होगा ले लो, उठा लो, मैसेज डाला था मैंने। एक ही जन का रिप्लाई आया है कि मैंने लिया हुआ है, वो भी मेरे पहचान का है, उसने लिया था, उसने मैसेज किया था मुझे। प्रीमियम देखो कैसे स्लो और स्टडी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से एक कैंडल बना देगा ना, ये फटाक से यहाँ पे आ जाएगा लो पे, एक ही कैंडल में आ जाएगा। और प्रीमियम थोड़ा सा जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा, कल एक्सपायरी है, तो अपोजिट साइड का एक भी कैंडल बन गया तो प्रीमियम पूरा फटक से जाएगा। देखो अभी भी तुषार सर पूछ रहे थे ना यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं क्या पी साइड का, इसलिए बोला था मैं नहीं ले सकते, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। अभी देखो यहाँ से फिर से एक बाउंस आया, ये लो जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना तो तब तक सोचना ही नहीं है, पी में जाने का सोचना ही नहीं है जब तक। ऐसे सिचुएशन में क्या है ना, प्रीमियम SL कितना बड़ा भी रखेगा ना आप, 15 या 20 पॉइंट का भी SL रखोगे ना तो भी वो हिट हो जाएगा उसमें डीकी की वजह से। हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए, हम ऑप्शन बाहर हैं। तो अभी तक तो एक भी ट्रेड नहीं है अपना, अभी तक तो कुछ ट्रेड दिख नहीं रहा है, मार्केट साइडवेज ही है। ब्रेक होने के बाद में अगर तुरंत ब्रेक होती लोगे तो थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हो जाता है। आपने अगर फॉलो किया है वह चैनल को तो आपको पता होगा, हम ज़्यादातर जो भी ट्रेड्स है वो रिट्रेसमेंट पे लेते हैं, जो पुल बैक आता है ना उस पर ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। हालांकि अगर मिस भी हो गया तो हम छोड़ देते हैं उस ट्रेड को, मिस होने के चांसेस जो है ना वो 20% है, और रिट्रेसमेंट जब आता है रिट्रेसमेंट होने के चांसेस 80% है, वहाँ पे एंट्री मिल जाता है। तो मैं ज़्यादा रिट्रेसमेंट वाला एंट्री प्रेफर करता हूँ। ये वाला जो आप एंट्री बोल रहे हैं ना उसको थोड़ा सा फोमो वाला भी बोलेंगे, फोमो एंट्री हो जाता है वो, अरे छूट जाएगा, अरे छूट जाएगा।
कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा मार्केट। पैसा देना है तो दे के ही जाएगा और छीनना है तो छीन के ही जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो आप छीनने कौन से साइड में बैठने वाले हो, मार्केट को पैसा देने वाले या मार्केट से पैसा लेने वाले। अब पूरे दिन में जो है ना, एक बार अगर एंट्री अगर अच्छा सा प्रॉपर एंट्री मिल गया तो एक ही ट्रेड काफ़ी है दिन भर, दिन में एक ही ट्रेड काफ़ी है पैसा बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती है, वो ट्रेडिंग कम हो जाती है। अपॉर्चुनिटी जहाँ दिखेगी बस उसी टाइम पे अगर ट्रेड लोगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। हाई ब्रेक हो रहा है घुसो सी में, लो ब्रेक हो रहा है घुसो पी में, अननेसेसरी ऐसे लीड हो जाते हैं फिर। लेने वाले में है ना, ठीक है। तो फिर जब तक मार्केट दिखाएगा नहीं एंट्री कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, मार्केट बताएगा ना आपको, दिखा देगा मार्केट कि मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, दिखेगा वो चार्ट पे दिखेगा। बस उसको देखने का तरीका चाहिए। देखो सिंपल सा पैटर्न मुझे ऐसा दिख रहा है ये वाला, लेकिन अभी तक उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं। ये 900 का लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बायर जो है ना डिफेंड कर रही है लेवल। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा वो पुट जो सेलर जो है हटेंगे नहीं यहाँ से, कहीं नहीं जाने वाला मार्केट। ऊपर की साइड में 21,000 को कॉल राइटर बैठा है और 900 के लेवल पे पुट राइटर बैठा है, बस इसी रेंज में घूमता रहेगा, रेंज बना रहा है मार्केट। अगर 15 मिनट में भी देखोगे, ये रेंज बनाया था उसका ब्रेक डाउन दिया, अभी फिर से रेंज में है मार्केट। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा फिर से रेंज में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट होगा। ये जो है कल का डे हाई जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, बस यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है। ये सिर्फ एक स्कैल्पिंग का है, लेकिन वो भी कंफर्म, मतलब स्कैल्पिंग में सिर्फ अकाउंट में प्रॉफिट दिखाएगा तुरंत बाउंस आ जाएगा, प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाओगे। बड़े टारगेट्स आज मुश्किल है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देगा आज, खींच के रखेगा नीचे। और कल जो निफ्टी ऊपर गया ना, ये बैंक निफ्टी की वजह से ही गया था। अभी ये वाला लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये डेलो जो है ये टेस्ट करेगा एक बार, और यहाँ से अगर नीचे निकला तो ये वाला गैप फिल हो जाएगा बैंक निफ्टी में।
सब लोग स्ट्रीम को लाइक कर देना जिसने नहीं किया है। कोई बायर तो नहीं, मतलब समझा नहीं। शार्प फॉल हो सकता है सर इस लेवल पर, हाँ देखते हैं। हो भी सकता है लेकिन दिखेगा ना भाई आपने। नीचे जो है ना मल्टीपल सपोर्ट भी है ना, शार्प फॉल हो भी जाएगा तो भी यहाँ पे हर एक इस पे सपोर्ट लेगा मार्केट। बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा जितने स्ट्रीम से जुड़े हैं ना कौन कौन कहाँ से है मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ, आप लोग कहाँ से हो सब मुझे भी पता चले कौन कौन जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है आपने स्ट्रीम पे। सौरभ सर आप बिहार से? ओके। शुभम सर दिल्ली, दिल्ली से ओके। सौरभ पटना, बिहार में पटना ओके। और बाकी लोग
देखो एक यहाँ पे एक ही ऑपोजिट कैंडल बन गया, देखो प्रीमियम कितना नीचे आ गया। तुषार सर आप बोल रहे थे ना पी बाय कर सकते हैं क्या? नहीं तुषार, हाँ तुषार, तुषार सर देखो इसलिए मैंने ना बोला था, कंफर्मेशन चाहिए अपने को पहले कि यहाँ से भाई पहले ब्रेक करें फिर सोचेंगे। ऐसा भी नहीं कि तुरंत ब्रेक होने के बाद ही एंट्री बनाएंगे। कुछ कंफर्मेशन लेने की जरूरत पड़ती है पहले, क्योंकि देखो ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचो कि अगर मैं गलत हो गया तो मैं इसमें लॉस कितना लेने वाला हूँ। एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर उसके बारे में नहीं सोचना है, जितना आपने एसएल डिफाइन कर लिया ना फिर उसके बाद नहीं सोचना है। एक तो एसएल लिफ्ट हो जाएगा या तो टारगेट 1:1, 1:2 जो भी आपका कैपेसिटी है, जितना होल्डिंग का कैपेसिटी आपका वो हिसाब से आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये सब सोचना है ट्रेड के बारे में, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले। ऐसे अननेसेसरी अगर ट्रेड लोगे, हाँ भाई लोग के पास दिख रहा है चलो लो ब्रेक कर देगा अभी और यहाँ से एंट्री बना लिया तो मार्केट क्या करेगा, आपको यहाँ पे टाइम पास किया ऊपर निकला बाउंस कर रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे भी एसएल रखा होता तो एसएल आपका कट गया होता अभी तक, क्योंकि यहाँ से ये वाला मूव प्लस आपका ये जो जो टाइम डीके है ना इसमें आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा ना इसमें, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक भी यहाँ पे भी अगर एसएल रखा होता तो भी आपका एसएल हिट हो जाता उसमें, डीके प्लस आपके अपोजिट जो कैंडल बना है वो। तो प्रीमियम में देखो अगर यहाँ पे एसएल रखा होता आपने तो ये एसएल तो कब का उड़ चुका होता, और यहाँ पे भी आकर अगर रखा होता ये लो पे तो भी उड़ गया होता। ये चीज़ है तो अभी तक अपना एक भी ट्रेड नहीं बना है सुबह से। बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ पे बाउंस किया, इसको थोड़ा हटा देते हैं। यहाँ से इसने भी बाउंस किया है, ये काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे ये पुट राइटर, 200 वाला जो पुट राइटर है ना ये अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा है। देखा क्यों नहीं बोला था मैंने इधर एंट्री नहीं बनता है, अगर ये सोच के एंट्री किया होता यहाँ पे चलो नेगेटिव कैंडल बन गया है यहाँ पे चलो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पी साइड में, तो देखो एसएल कितना भी बड़ा एसएल रखा होता तो देखो अभी प्रीमियम कहाँ पे आया, कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। देखो 95 से 70 25 पॉइंट्स नीचे आ गया है कैंडल में, देखो कितना नीचे खींचा इसको 87 से 68। मार्केट के सेंटिमेंट को समझो, मार्केट क्या कर रहा है अभी। यहाँ पे सबको पुट दिखाया, सबको पुट दिखाया होगा यहाँ पहले, यहाँ पे एसएल ले लिए हैं सबके जो ऑप्शन बायर थे, इम्पेशन जो थे ना जो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाया ये कैंडल देख के उनके पहले एसएल काट लिए, फिर दिखाया मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे जिन्होंने सेकंड टाइम एंट्री बनाया फुट में तो फिर उनके एसएल ले लिया। अभी यहाँ पे तो ऐसे पहले मार्केट वीक
पैर जो होता है ना उसको भगाता है, इम्पेशेंट जो होते हैं ना उनको भगाता है पहले मार्केट। तो अपने को उनके साथ में भागना नहीं है मार्केट से बाहर, हमें वेट करना है। ये कोट किसी ने सुना है क्या? शेयर मार्केट इज अ मशीन, मनी ट्रांसफरिंग मशीन फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। ये किसी ने सुना है क्या? इसका मतलब कोई बताएगा? शेयर मार्केट इज अ ट्रांसफरिंग मनी ट्रांसफरिंग मशीन फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो मतलब कोई बताएगा? किसी ने सुना ही है? नहीं सुना। एक ही रिप्लाई आया, बाकी किसी ने भी नहीं सुना है? सबने सुना है? नहीं सुना है। अरे शेयर मार्केट, आप लोग ट्रेडर हो और ये पता नहीं आप लोग को? बहुत ही फेमस कोट है, बहुत फेमस। सौरभ सर नहीं सुना? ओके। अच्छा इसका मीनिंग तो समझ में आया ना? मीनिंग क्या है इसका समझ में आया? बहुत गहरा गहरा मीनिंग है इसका, बहुत गहरा। अगर समझो तो बहुत गहरा। नहीं समझे? अच्छा नहीं, आपने नहीं सुना है? ओके। जिसको जिसको इसका मतलब समझ में आए ना, थम का इमोजी है ना उसको, जिसको जिसको इसका मतलब समझ में आए ना, थम का इमोजी चैट बॉक्स में डाल दो। इफ यू कांट टेक द हीट सो गेट आउट ऑफ द किचन। ये सुना है? नहीं, ये तो नॉर्मल है ही, लेकिन ये वाला जो मैंने बोला है ना, ये वाला शेयर मार्केट क्या अपना कोलपेवाड़ी को करवाओ। ओके, अपने पास की ही है भाई। जितने भी नए लोग स्ट्रीम से जुड़े हैं ना भाई, वेलकम टू ऑल। अगर नए हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने ये पिन करके रखा है ना, उसको ज्वाइन हो जाओ। जो भी नया जुड़ रहा है ना, देखो बस ये रेंज है मार्केट का अभी आज का, 20,960 से लेके ये 900 का पकड़ के चलो, 20,900 का। ये लो जब तक नहीं टूटता है या ये हाई नहीं टूटता है तब तक हम कुछ भी नहीं करने वाले आज। जिनको पैसा गंवाना है वो
पूछ सकते हैं भाई। वॉरेन बफेट का है, ओके। गूगल कर लिया शायद अभी अभी। अच्छा, जो मैंने वर्ड बोले वो बराबर है ना? मशीन ही है ना वो वर्ड? शेयर मार्केट इज मनी ट्रांसफरिंग मशीन, या कुछ मशीन की जगह पे अगर शायद दूसरा हो सकता है। बहुत दिन हो गए मैंने उसको सुना हुआ है। इसका मीनिंग अगर समझ सको ना तो समझ लो सब, जितने भी अभी है ना लाइव स्ट्रीम पे। और ये वाला किसने सुना है? प्राइस भगवान छे, भाव भगवान छे, सॉरी प्राइस नहीं, भाव भगवान छे। ये गुजराती लोगों का है ना, अपने शेयर मार्केट के लिए उनका भाव भगवान छे। ये तो सबने सुना होगा। तो ये वाला जो है ना भाई, भाव भगवान छे, इसको भी, इसका भी अगर तुम मीनिंग समझ जाओ ना, आधे ट्रेडर तो आधा आधा ट्रेडर ट्रेडिंग का जर्नी तो आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इज, हाँ डिवाइस डिवाइस, हाँ मैंने हिंदी में मशीन बोल दिया। ओके, स्टॉक मार्केट इज डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। ओके, ये भी जबरदस्त है भाई, इसका मीनिंग है ना बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। ये जो तुषार सर ने डाला है ना भाई, सब लोग सुन लो इसको है ना, एक बार दिमाग में बिठा लो, सब लोग इसको दिमाग में बिठा लो पहले, इसकी जरूरत है तुम सबको, सबको जरूरत है। तुम्ही कुठले? शिर्डी भाऊ, शिर्डी, अनिता जी, शिर्डी शिर्डी, साईबाबांची शिर्डी। मार्केट अभी भी रेंज में ही है, कुछ भी नहीं है मार्केट में अभी तक, बस बैंक निफ्टी ने जो इतना मूव दिया ना, ये ओपनिंग वाले ओपनिंग के बाद में बस यही एक मूव हुआ है बैंक निफ्टी ने, उसके बाद में अभी तक कुछ भी नहीं है। देखो मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया था ना, व्यू तब मेरा ये था, लेकिन वो कंफर्म कब होता? अगर ये लो ब्रेक कर देता मार्केट, इसके नीचे ट्रेड करने लगता तो ये वाला जो पैटर्न है मेरा वो एक्टिवेट हो जाता। अभी व्यू चेंज कैसे करना है देखो मार्केट में, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, अपन इंट्राडे प्लेयर है, इंटरडे के लिए हम देखते ज़्यादा है ना। तो अभी ये वाला एक व्यू हो सकता है कि यहाँ से ये डब्लू बनाए और ये डब्लू का ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, है ना। तो ये भी व्यू ध्यान में रखना ज़रूरी है लाइव मार्केट में। अभी ये एक डब्लू फॉर्म हो सकता है, अभी भी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी व्यू बनाया है कि यहाँ पे ये जो पैटर्न था ये तो अभी वर्क नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं किया,
तो ये वाला भी एक पैटर्न बन सकता है जो डब्लू फॉर्मेशन है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है, है ना। ये लाइव मार्केट में आपको जैसे जैसे मार्केट को टाइम दोगे, स्क्रीन के सामने बैठोगे, सोचोगे, तो आपको दिखने लगेगा ये सब। देखो ये भी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग तो दिया है, ये वाला जो था ना, लो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये पैटर्न तो अपना एक्टिवेट नहीं हुआ है, प्राइस एक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा है ना, आप लोग कोशिश करो कि प्राइस एक्शन सीख सको, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना सीखो। बैंक निफ्टी कोई करता नहीं, तो चलो बैंक निफ्टी देखने की अपने को जरूरत है नहीं, लेकिन जो भी अगर करता होगा, कोई नया अगर लाइव स्ट्रीम से जुड़ा होगा, तो उसके लिए भी अच्छा है ये लेवल्स। देखो ये प्रीमियम जो मैंने बोला था ना आपको लिस्ट करने के लिए, कहाँ पे गया देखो, हाई कितना गया था, 108 का हाई लगा के आ चुका है नीचे, अभी 64 ट्रेड कर रहे हैं। समझे कुछ मैंने क्यों नहीं बोला था बाय करने के लिए, क्यों वेट कर रहे थे हम। कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। देखते हैं अभी मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो अभी तक कोई ट्रेड भी नहीं मिला है, तो ट्रेड अगर नहीं भी मिलता है, ट्रेड ना होना भी एक तरीके से ट्रेड होना ही है, मतलब पैसा बचाना ही है ना। अभी जिन्होंने इम्पेशन होके सुबह ट्रेड लिया होगा तो लॉस करके बैठे हैं, जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना है मार्केट में। और जो न्यूबीज होते हैं ना, मतलब जो मार्केट खुला तो हमें पहले ट्रेड चाहिए ही चाहिए, ऐसा सोच के जो आते हैं ना, पैसा गंवाने के लिए आते हैं वो, तो पैसा गंवाओ मत, पेशेंटली वेट करो, देखो मार्केट क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है उसको ढूंढो, वो समझो, फिर ट्रेड लो। आते ही साथ मार्केट खुलते ही साथ अगर ट्रेड लोगे तो पैसा जाएगा। अपना एंड गोल क्या है मेन, पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी मत करो, मेहनत का पैसा है सबका। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी अभी इसका भी कंफर्म नहीं है, ये जो नीचे का मूड दिया है उसके बाद यहाँ पे जो बाउंस आया ना, ये वाला जब तक नहीं निकालेगा नहीं यहाँ है, के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा तो ऊपर साइड के लिए नहीं सोच सकते। अभी ये कंफर्मेशन नहीं कि ऊपर ही जाएगा यहाँ से, अपना एंड गोल जो है ना उसको याद रखो, सिर्फ अपने को पैसा लेना है मार्केट से, देना नहीं है। चाहे वो दिन में किसी भी टाइम मार्केट दे सकता है, क्योंकि अपन इंट्राडे करते हैं।
और जैसे बोला मैंने, कहीं पे नहीं जाता है मार्केट, कहीं भी नहीं जाएगा। आज मौका नहीं दिया तो कल देगा, कल नहीं देगा तो परसों देगा। जैसे 2 दिन देखो हमने, कल और परसों अच्छे से ट्रेड लिए ना, मौका दिखा ट्रेड लिया। अभी मौका ही नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो फालतू में एसएल क्यों दे मार्केट को? कल जो पैसा कमाया वो आज क्यों गवाए? मार्केट तो ढूंढता है ऐसे लोगों को, भाई तू कल पैसा लिया ना, अभी देखे जा डबल। एक्सपीरियंस वाले जो ट्रेडर है ना, वो ऐसे कहीं पे कूदेंगे नहीं। जो नए ट्रेडर है ना, ये यहाँ पे कूदेंगे। वो बुलाता है मार्केट, उनको यहाँ पे बुलाएगा, आ जाओ मैं नीचे जा रहा हूँ, आ जाओ यहाँ पे, एसएल काट के ऊपर जाएगा। फिर जो नए है ना वापिस, अरे नहीं फिर से नीचे जा रहे हैं, फिर से बुलाएगा यहाँ पे, फिर से एसएल काटेगा, फिर से बुलाएगा, चलो ये भी लो मैंने ब्रेक कर दिया, चलो अभी जाता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे दिखाएगा, फिर जा रहा हूँ, फिर बुलाएगा, फिर एस एल काटेगा। ऐसा करके परेशान कर देगा उनको, मार्केट से बाहर कर देगा, पहले सबको भगा देगा यहाँ पे। ये जो आते हैं ना साइडवेज वाले मूव, यहाँ पे ज़्यादा लोग फंसते हैं, यहाँ पे फंसना नहीं है। बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये 2 जगह पे तो बहुत सारे हो गए होंगे। यहाँ पे फंसो मत, रुको, वेट करो, जब कोई अच्छा ट्रेड दिखेगा तो ट्रेड मिलेगा। लेकिन वो एक अच्छा ट्रेड लेने के लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ता है, वो पेशेंस मार्केट टेस्ट करता है, आप में कितना पेशेंस है ना वो मार्केट टेस्ट करता है। अगर इस ट्रैप में फंसोगे तो पैसा गवाओगे इसमें, इसमें ये भी एक ट्रैप ही है, ये वाला जो कैंडल बना ना, ये भी ट्रैप ही है कि भाई चलो मैंने नीचे तो नहीं गया है ना, मैं ऊपर जा रहा हूँ, चलो आप आ जाओ, ये भी बुलाने वाला कैंडल है। इम्पेशेंट जो ट्रेडर है ना, उनको भी बुलाने वाला कैंडल है ये भी। यहाँ से दिखाएगा, चलो मैं नीचे नहीं गया ना, अभी ऊपर जाऊँगा मैं, चलो आ जाओ, ऊपर जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बुलाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर वाले जो कॉल साइड में लॉन्ग जिन्होंने किया उनका भी एसएल काटेगा, फिर नीचे आएगा। ऐसा परेशान करके छोड़ेगा मार्केट, फिर थक हार के जब मार्केट से बाहर हो जाएगा ना वो ट्रेडर, फिर एक्चुअल में ट्रेड मिलेगा। ये देखो क्या बोला था मैंने, यहाँ पे बुलाएगा, ये भी वो बुलाने वाला कैंडल है, न्यूबीज को बुलाता है ये वाला कैंडल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो आ जाओ यहाँ पे ले लो मुझे, चलो कॉल साइड का ले लो, ऐसा बोलेगा। अगर यहाँ से नीचे भी नहीं गया ना, तो ये जो साइडवेज का फेज चल रहा है ना, इसमें ये एसएल काट देगा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है देखो, बैंक निफ्टी ने क्या बोला था मैंने, बैंक निफ्टी का अभी भी ये वाला जो है कंफर्म नहीं है, इसने दिखाया सिर्फ यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ये हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो कन्फर्म नहीं है। देखो यहीं से पलट गया है यहाँ से, ये बैंक निफ्टी तो साइडवेज, मैंने कल ही एनालिसिस वीडियो में बोल दिया है, सेलर्स के लिए बहुत अच्छा है। जितना ये बढ़ चुका है ना कॉल साइड के प्रीमियम, जितने बढ़े ना ये गैप अप की वजह से, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मार्केट, पूरा प्रीमियम पूरा खा लेंगे वो, जितने बढ़े ना प्रीमियम। तो कल ही देखो ना, मैंने जो परसों के लिए बीटीएसटी के लिए जो ट्रेड दिया था, जो 50 से 60 रुपये मैंने बोला था चल रहा है उठा लो उसको, कल कितना कितना बढ़ गया था, 500 534 का हाई मार चुका है कल,
उसका क्लोजिंग तो मैंने देखा नहीं, बाद में कहाँ पे हुआ, तो कल ही उसको शॉर्ट करके गए होंगे वो लोग। आज थोड़ा सा हल्का सा गैप अप खोला, उसके बाद में जो नीचे आया तो 500 समझो 400 पे भी अगर वो क्लोज हुआ होगा ना, तो खुलने के बाद पूरा जबरदस्त तरीके से डीके हुआ होगा वो, क्योंकि आज एक्सपायरी है, इस वजह से वो पूरा डीके मारा होगा। यहाँ तक जब मार्केट आया ना तो पूरा अभी नीचे ट्रेड कर रहा होगा, अभी देख लेते हैं उसको एक बार। 47,000 का पकड़ेंगे अपन। सी बोला था ना मैंने। देखो 47,000 का 182 चल रहा है अभी। देखो कल कहाँ पे कितना हाई मारा था उसने, 534 का। आज कितना चल रहा है, 177, 178 यहाँ पे चल रहा है। तो अगर इसका अगर अपन चार्ट लगा के देखेंगे, देखो सेलर का कमाल देखो, अभी कल देखे कहाँ पे क्लोज हुआ था, 370 क्लोजिंग 378 पे क्लोज हुआ था है ना कल, और ये हाई लगा चुका है कल। अरे बाप रे, हाई तो ज़्यादा ही दिखा रहा है, यहाँ पे 763 का हाई दिखा रहा है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ओपन हुआ उसके बाद कल ही शॉर्ट करके गए होंगे वो, डरते नहीं है वो सेलर्स, क्योंकि उनको पता है आज एक्सपायरी है तो डीके होने वाला है फटाफट। तो देखो 9:15 से लेके 10:05, आधे पौने घंटे में देखो कितना कहाँ से कहाँ आ गया। फाइव 94 से यहाँ पे भी, ये पिवट लेवल पे भी अगर किसी ने शॉर्ट किया होगा तो 560 का प्रीमियम कितने बजे यहाँ पे शॉर्ट मारा है उन्होंने, समझो इस कैंडल पे 9:25 पे अगर शॉर्ट मारा है तो 10:05 में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9-10 कैंडल में ही देखो कितना क्लोजिंग कहाँ पे दिया, क्लोजिंग दिया इसने 151 का, 150 पकड़ के चलो। कितने पॉइंट मिल गए इतने आधे घंटे में सेलर्स को, ये सेलिंग का फायदा है। और ये अभी सेल करके भी आराम से बैठे होंगे, उनको पता है जितना टाइम मार्केट बिताएगा ना यहाँ पे तो ये डिके होने वाला है, इसलिए सेलर्स का दिन दग रहा है मुझे आज जबरदस्त तरीके से। जितने भी प्रीमियम बढ़े हैं ना कल, वो सेल करके बैठे आराम से, आराम से पैसा छाप रहे वो। बाहर के लिए आज कोई भी मौका नहीं दिख रहा है अभी तक, जहाँ तक दिख रहा है ना अभी साइडवेज में बाहर का कुछ काम नहीं है। बाहर को चाहिए मूवमेंट, ऐसे ऐसे वाले मूवमेंट चाहिए फास्ट वाले, तब बाहर का पैसा बनता है। तो यहाँ पे ऊपर जाने का दिखाया, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर अभी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पूरा रेंज ही बन चुका है, ये वाला पूरा रेंज है, जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे नहीं निकलता है, नीचे भी निकला तो ज़्यादा टारगेट नहीं है नीचे की साइड, यहाँ पे फिर से बाउंस आएगा, फिर से यहाँ तक बाउंस आएगा, क्योंकि जो इतना बढ़ चुका है ना 2-3 दिन मार्केट, खतरनाक तरीके से ये जो मूव दिया ना आपने,
उसको कहीं पे अभी रिट्रेस करना पड़ेगा, चाहे फिर वो रिट्रेसमेंट टाइम वाइज हो चाहे फिर रिट्रेसमेंट करके हो, तो करेक्शन करना ही करना है पहले, फिर ही ऊपर जा सकता है, विदाउट रिट्रेसमेंट जाएगा ही नहीं। क्योंकि एक सीधे लाइन में मार्केट कभी भी नहीं जाता है, चाहे अपर साइड हो चाहे डाउन साइड हो। तो अपना तो अपना YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब जितने भी नए भी कोई जुड़े हैं ना स्ट्रीम से जो जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, तो जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको पता चल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो यही रहने वाली है कि लाइव अभी डेली कर सकूँ। और जो चैनल पे यूट्यूब पे जो जितने भी वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं उनको भी लाइक कमेंट कर देना, सब लोग जितने भी नए भी हैं और पुराने भी हैं जो है ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, कोई फीस नहीं है अपना, पूरे कॉल्स जो होते हैं फ्री में होते हैं अपने, अपना कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं है। देखो कैसे नीचे आ रहा है, देखो मार्केट अभी देखो यहाँ पे जिसने भी इस कैंडल को देख के बाय किया होगा ना, लॉन्ग किया होगा इस कैंडल को देख के, उनके भी ऐसे कटे होंगे। अच्छा स्ट्रीम कितना कितना सेकंड का डिले चल रहा है स्ट्रीम? आप लोग अपने ग्रुप को शेयर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? टेलीग्राम चैनल जो है ना अपना, उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी को, उनको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। कम्युनिटी ग्रो करनी है अपने को इसकी,
लर्निंग भी मिल जाएगा उनको। मुझे लगता है आप लोग शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं होता है। जितना शेयर करोगे ना, तो जितने भी अपने लॉस मेकिंग वाले जो भाई बंधु है ना, उनको भी फायदा हो जाएगा अपने स्ट्रीम से, कुछ सीखने को मिलेगा उनको नया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, अभी भी वहीं पे है, कहीं भी नहीं जा रहा है, इधर ही घूम रहा है, रेंज बना रहा है मार्केट। देखो बैंक निफ्टी भी अभी भी रेंज में ही है, इसी रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बस प्रीमे मीटिंग चल रही है अभी, निफ्टी भी वहीं पे है रेंज में। देखो अभी भी हमने कुछ भी एक भी ट्रेड नहीं दिया है, 10 से 20 सेकंड लेफ्ट चल रहा है, ओके संतोष 20 सेकंड डिले, ओके 20 सेकंड मतलब कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। 20 सेकंड में क्या ही हो जाएगा, है ना, एंट्री थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना 20 सेकंड,
लेकिन अपना ट्रेड तो काफी बार एंट्री देता है अच्छे पॉइंट पे। और मेरा ऑलरेडी जो मैं ट्रेड जब भी आपको सजेस्ट करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, तो देखो मैं जब ट्रेड देता हूँ तो दो प्राइस देता हूँ, और एक तो ऊपर वाले प्राइस में मिलेगा या तो नीचे वाले प्राइस में मिलता है ना। तो जहाँ पे ट्रेड देता हूँ ऑलरेडी वो 5-6 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर चल रहा होता है, इसलिए मैं डालता हूँ कि वेट फॉर लेवल, जब वो उस प्राइस पे आएगा तो आपको लेना है वो, चाहे फिर नीचे वाले प्राइस में मिले चाहे ऊपर वाले प्राइस में मिले। जो थोड़ा रिस्क कैपेसिटी जिसका ज़्यादा होता है ना तो ऊपर वाले प्राइस पे ले सकता है, और जिसका रिस्क कैपेसिटी लेने का थोड़ा कम है तो वो नीचे वाले प्राइस का वेट कर सकता है। तो ऑलरेडी अगर थोड़ा सा 20 सेकेंड अगर लेट चल रहा है अपना लाइव स्ट्रीम तो ठीक है, अपना ट्रेड भी वैसे ही होते हैं कि वो प्रॉपर टाइम देते हैं लेने के लिए, कभी कभी वो 5-10 मिनट भी लेते हैं, कभी 2 मिनट में भी आ जाता है उस लेवल पे, कभी 1 मिनट में आता है, कभी 5 मिनट में आता है, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है ट्रेड लेने के लिए। ऐसे ट्रेड देता हूँ मैं कि सब ले सके, और जब भी दे दूंगा तो ये एक चीज़ याद रखना, वो 5-10 पॉइंट ऊपर ही मिलेगा आपको, मतलब जब दूंगा तो ऊपर ही चल रहा होगा, कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा जब बोला है तो उसी टाइम पे उसी वक्त मिल जाएगा उस प्राइस में। अगर उस प्राइस पे नहीं मिलता है आपको जो मैं प्राइस बोलता हूँ तो उस चीज़ वहाँ तक आने का वेट कर किया करो, कभी भी ऊपर वाले प्राइस पे चाहे नीचे वाले प्राइस पे, और उसी प्राइस पे लेना है जो प्राइस बोला है उसी प्राइस पे लेना है, और स्ट्रिक्टली जो एसएल मैंने जो बोला होता है ना वो एसएल प्रॉपरली फॉलो ही करना होता है बस। उस वो एक बार अगर समझो एसएल हिट हो गया तो बस वो फिर जाने वाला ही नहीं है ऊपर। आपने भी कभी नोटिस किया होगा जितने भी पुराने मेंबर्स हैं जो ट्रेड लेते होंगे, मैंने जो ग्रुप में जो ट्रेड डालता हूँ वो अगर कोई भी मेंबर लेता होगा उनको एक्सपीरियंस आ गया होगा कि एक बार अगर एसएल हिट हो गया तो फिर ज़्यादा मौका फिर मिलता नहीं है कि उसमें री एंट्री कर सके। अगर री एंट्री का कुछ सिनारियो बनता है मार्केट वैसा अगर मुझे कुछ दिखाता है तो मैं खुद होके बोलता हूँ कि री एंट्री करेंगे, अगर नहीं देता है री एंट्री तो हम उसमें री एंट्री भी नहीं करते। और मोस्टली अगर उसको जाना है अपने फेवर में तो वो जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं जाना है तो ऐसे लिट करेगा, ऐसे लेवल पे मैंने दिया होता है वो ट्रेड, ऐसे पॉइंट पे तो उसको जाना होगा तो प्रॉफिट ही देगा, अगर नहीं जाना है तो ऐसे ही लेगा। तो मोस्टली आपने ऐसे तो ज़्यादा जाते नहीं है, किसको किसको ज़्यादा मतलब आज तक फायदा हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का, मतलब जब से चैनल से जुड़े हो और चैनल से जो ट्रेड मैं देता हूँ तो वो ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा सा थोड़ा बहुत प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, कितने लोग हैं ऐसे? चैट बॉक्स में ज़रा मुझे बताना कितने लोगों को आज तक मतलब फ़ायदा हुआ है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होके, ट्रेडिंग से थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, थोड़े बहुत पैसे तो भी मिल रहे हैं, लॉसेस थोड़े से कम हो गए हैं, अगर प्रॉपर मेरे अगर कॉल्स फॉलो करते हो। सौरभ सर को फ़ायदा हुआ है, और कौन कौन है जिनको फ़ायदा हो रहा है? डरो मत, मैं पैसे नहीं मांगने वाला, रिप्लाई करो, नहीं मांगने वाला पैसे, सिर्फ मुझे बता दो फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सर तुषार सर बस 3 ही लोगों को फायदा हो रहा है क्या आज तक?
बाकी लोग कहाँ गए? लॉस था बताया था आपको अच्छा तुषार भाई, ओके। फिर कवर होके ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया। अच्छा चलो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। चलो अपने चैनल को कुछ तो फायदा हो रहा है, लोग ले रहे हैं फायदा, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो भी अभी फ्रेंड्स लोग होंगे ना आपके, जो भी लॉसेस में है या कोई प्रीमियम सर्विस अगर ले रहा है तो उनको बोलो प्रीमियम सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने चैनल से जुड़ जाए फ्री में, उनका पैसा बच जाएगा, वो भी प्रीमियम को जो पे कर रहे हैं वो भी बच जाएगा, लर्निंग भी मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लर्निंग के साथ अर्निंग भी मिल जाएगा। अपने चैनल के जो ट्रेड है ना उसको भी अगर फॉलो करोगे ना आप तो भी प्रॉफिट में आ जाओगे धीरे धीरे। अगर सोचो कि एक ही दिन में पूरा प्रॉफिट लेना है तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, धीरे धीरे करके ही आपको प्रॉफिट प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके थैंक यू तुषार सर। जितने भी आपने पहचान के हैं ना सब लोग, सबको शेयर करो ये वाला चैनल भी शेयर करो अपना, और यूट्यूब वाला भी शेयर कर दो, टेलीग्राम चैनल भी शेयर कर दो। कुछ नहीं तो भी उनके कम से कम लॉसेस तो भी बंद हो जाएंगे यार, जैसे अपने से जुड़ेंगे ना वो लॉसेस तो भी बंद या कम हो जाएंगे, है ना। प्रीमियम लेने के सोच रहे हैं या सोच जुड़े हुए उनका सर्विस बंद कर दो भाई, आ जाओ इधर ही फ्री में मिल रहा है सब। देखो अभी भी ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है ना बस इसके इर्द गिर्द घूम रहा है मार्केट, कहीं पे भी नहीं जा रहा है अभी भी। बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे देखो यहाँ पर यही पे घूम रहा है, शुक्रिया तुषार सर। अनीता जी में 2 डेज आगे प्रॉफिट आए, ओके अच्छी बात है, चलो बढ़िया है, ऐसे ही ग्रोथ करते रहो धीरे धीरे, ओवर ट्रेडिंग मत करो। देखो अभी जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं ना अपना, तो अभी ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रहा होगा उनका, है ना, समझ चुके होंगे ना अभी क्या करना है आज मार्केट में। ट्रेड ही नहीं मिल रहा है तो क्यों ऐसे जबरदस्ती ट्रेड में क्यों घुसना है ना, समझ रहे हो ना ओवर ट्रेडिंग कैसे कम होती है। पहले मार्केट का समझो क्या कर रहा है मार्केट, अगर समझ गए ना ये चीज़ तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप कम हो जाएगी कि भाई चलो अभी मार्केट में अभी ट्रेड ही नहीं बन रहा है। हाँ चलो, हालांकि सुबह सुबह जो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा ना, जिनके एसएल कटे होंगे यहाँ पे और फिर से यहाँ से भी एसएल कटे होंगे यहाँ पे, तो एसएल भी अपने पहले ट्रेड डिसाइड कर लो आज दिन में अपने को कितने ट्रेड लेने, एक लेना है पूरे दिन में, 2 लेना है या 3 लेना है, अगर लॉसेस हो रहे हैं उसमें तो रुक जाओ, अगर अपने मन से कर रहे हो तो लॉस भी एक डिफाइन कर लो पहले कि अपने को कितने ट्रेड में कितना लॉस लेना है, वो डिफाइन करके चलोगे तो फ़ायदा होगा, कम से कम एक रूल तो फॉलो हो जाएगा आपका कि मैं लॉस लेने वाला हूँ तो इतना ही लेने वाला हूँ, या ट्रेड लेने वाला हूँ दिन में तो इतने ही। रूल बना के ट्रेड करोगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा आपको।
देखो मैं भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट ट्रेड ही नहीं देगा तो ज़बरदस्ती घुस के आपको मैं देने के लिए तो ट्रेड दे दूंगा, लेकिन अगर लॉस हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना। और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो होते हैं लॉस मेकिंग नहीं होते मोस्टली, जो भी ट्रेड होते हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ही होते हैं। ऐसे ट्रेड ढूंढ के देता हूँ मैं आपको कि जो आपको प्रॉफिट ही दिलाए, ऐसे ट्रेड मैं देता हूँ। हाँ कभी कभार एक आध ट्रेड में SLB कटता है, लेकिन वो अपना SLB डिफाइन होता है। आप अगर देखोगे कंसिस्टेंसी तो अपने मैक्स अगर SL देखोगे तो 15 पॉइंट का होता है, कभी कभी 5 पॉइंट का भी मिल जाता है। मार्केट जितना अपने को SL दिखाएगा उतने वो हिसाब से हम SL डिफाइन करते हैं। मार्केट अपने को कितने का SL दिला रहा है तो वो हिसाब से मैक्स मैं 15 पॉइंट का SL रखता हूँ। उससे कम कभी 10 में भी मिलता है, कभी 12 मिलता है, कभी 5 का भी मिलता है, तो उस हिसाब से ट्रेड होते हैं। और अपने 15 पॉइंट का SL के अगेंस्ट अगर देखोगे तो बहुत मतलब 60 to 70% जो है ना, वो 60 to 70% टाइम अपने को कम से कम 30, 35, 40, 50 ये भी आपने देखे होंगे कि अपने को मिले हैं पॉइंट्स। मैंने जितने रैली अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि रैली पकड़ा सको, आपको पूरा का पूरा ट्रेंड जो रैली का होता है ना वो आपको पकड़ा पकड़ा सको, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर होल्ड कर पाते हो, आपके अंदर डर कितना है, फियर कितना है, आपको कितना फियर को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो हिसाब से आप होल्ड करते हो, है ना। मैं यहाँ से कितनी भी चिल्लाऊँ कि भाई अभी होल्ड करो, लेकिन जिसको बुक करना है, जिसका जितना कैपेसिटी है वो वहाँ पे बुक ही कर लेता है। इसलिए मैं ज़्यादा करके टारगेट देता नहीं हूँ, टारगेट क्योंकि सामने वाला डिसाइड करता है कि टारगेट कितना अपने को लेना है, मुझे 5 पॉइंट लेके निकलना है, 10 पॉइंट लेके निकलना है या 15 पॉइंट लेके निकलना है, वो सामने वाला डिसाइड करता है। मैं इधर से कितना भी चिल्लाऊँ इसलिए मैं टारगेट नहीं देता हूँ। हाँ मैं स्टॉप लॉस देता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़रूरी लगता है। अगर आप बाकी किसी चैनल से अगर जुड़े हो ना तो आप देखो वो कभी भी आपको SL नहीं देगा, SL फ्री में कॉल देगा लेकिन SL के लिए पैसे मांगेगा। वो बोलेगा SL चाहिए तो पेड में आ जाओ, इसका ये जो कॉल दिया है उसका SL पेड मिलेगा, तो उसके लिए चार्ज करेगा वो, नहीं 100 200 रुपया उसका चार्ज लेगा। तो अपने ग्रुप में तो ऐसा कुछ नहीं है, आज तक ऐसा एक भी ट्रेड नहीं है अपना, चैनल का हिस्ट्री उठा के देख लो, ऐसा एक भी ट्रेड नहीं है जिसमें मैंने बोला है कि SL पेड है। मैं पहले SL डिफाइन करता हूँ फिर ट्रेड देता हूँ। हाँ जो बाय अबो वाला ट्रेड होता है उसका SL जो होता है वो बाद में डिसाइड होता है, तो वो भी एक्टिव होने के बाद मैं तुरंत उसका SL भी डाल देता हूँ कि भाई किसी ने अगर ट्रेड लिया तो घबरा ना जाए कि भाई इसको SL कहाँ पे लगाया अभी। और SL तो जैसे आपका ट्रेड एंट्री हो जाए तो एंटर हो जाएंगे ना, कभी भी याद रखना मेरे चैनल से आप अगर कभी भी ट्रेड लेते हो तो जैसे आपका एंट्री हो जाता है तो तुरंत फटाफट दूसरे सेकंड में आपको SL लगा के लेना है, लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने दिया है ट्रेड, इनके ट्रेड अच्छे जाते हैं या एक्यूरेसी अच्छी है तो इनके SL नहीं कटते तो चलो SL नहीं लगाएंगे, रुकेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मेरे भी SL कटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए SL आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो ये हो गया अपना SL का बात, अपने ट्रेड के बारे में आज तक कभी मैंने डिस्कशन नहीं किया था ट्रेड अपन जो देते हैं चैनल पे। अभी भी देखोगे तो मार्केट वहीं पे घूम रहा है, सेलर्स बहुत पैसा कमा रहा है इसमें, बहुत बढ़िया सेलिंग करके जो बैठे हैं ना बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं।
जबरदस्त सेलर के मौज आज, पैसे छाप रहे सेलर। अपन बाहर है तो देखो कैसे आराम से बैठे हैं ना, ना ओवर ट्रेडिंग हो रहा है ना ये सेल कट रहे हैं, आराम से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। ऐसा वेट करना सीखो, स्क्रीन के सामने भी जब भी बैठोगे ना बस आराम से बैठो, फोमो में नहीं जाना है कि जैसे यहाँ पे अच्छा कैंडल क्लोजिंग मिला है यार चलो ऊपर की साइड जाएंगे ना, रुको देखो देखो और सीखो। अच्छा सीखने को मिल रहा है क्या कुछ, कि मैं ऐसे अकेले ऐसे ही बड़बड़ता जा रहा हूँ, या सीखने को मिल रहा है आपको कुछ? लर्निंग का फीलिंग आ रहा है क्या आपको कुछ, मतलब लर्निंग हो रही है क्या आपकी? सीखने को मिल रहा है कुछ चीजें कैसे वर्क करती है मार्केट में? बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सौरभ सर, थैंक यू। और कौन कौन लर्निंग लर्निंग ले रहा है? अनीता जी खूब, थैंक यू। सौरभ सर लॉस कंट्रोल में हो रहा है और ओवर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है सर, ओके थैंक यू। तुषार सर एम, देखो आप लोग जो है ना जुड़े हो ना मुझसे, चाहे लाइव स्ट्रीम में हो चाहे अपने टेलीग्राम चैनल पे हो, आप मेरे चैनल और मेरा यूट्यूब का चैनल और मेरा टेलीग्राम का चैनल, इसके जो इनिशियल स्टेज चल रही है ना अभी, इसके आप पार्टिसिपेंट हो है ना। आज पर्यंत नंबर 1 क्लास, ओके थैंक यू। तो देखो ये जो मेरा चैनल और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है ना, इसके आप इनिशियल स्टेज के पार्टिसिपेंट हो सब। तो देखो जब तक यहाँ पे भीड़ नहीं लग रही है ना अपने पास, तो काफ़ी अच्छी लर्निंग आपको मिल जाएगी है ना। काफ़ी ज़्यादा मैं आपको इंटरेक्ट कर सकता हूँ जी, चार्ट जो है ना बाद में जब ये चैनल ग्रो करेगा, लाइव स्ट्रीम भी अपना ग्रो करेगा, जब हज़ारों लोग यहाँ पे जुड़ेंगे ना, तो ये जो चार्ट सेक्शन है ना पूरा भागता रहेगा, मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा वो टाइम पर कौन क्या मैसेज कर रहा है। तो अभी सीख लो जितना भी है ना आपको लर्निंग मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे पा रहा हूँ अभी, बाद में हो सकता है मैं टाइम ना दे पाऊँ, मैसेज भी ना पढ़ पाऊँ, लाइव जो स्ट्रीमिंग चलेगा ना उस टाइम पे, वो टाइम पे शायद हो सकता है कि मैसेज भी ना पढ़ पाऊँ, इतने मैसेजेस रनिंग में चलेंगे वो टाइम पे। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि मराठी में स्ट्रीमिंग होना चाहिए, या वीडियो जो मैं डेली एनालिसिस के वीडियो डालता हूँ तो अपने मराठी लोगों के लिए कुछ होना चाहिए क्या? पाहिजे तर मी मराठीमध्ये पण वीडियो बनवू शकतो, डेली एनालिसिसचे जे वीडियो आहेत ना ते
मराठीत पण बनवू शकतो. सिरप सीरियस होना चाहिए. ओके. और कितने लोगों को लगता है? अपने मराठी जितने भी है ना भाई, और कितने लोगों को लगता है? थोड़े मराठी है ना अपने महाराष्ट्रीयन, त्यांनी कमेंट करा किती जणांना वाटतं आहे असं. अच्छा सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली सो आई डोंट नो सर. ओके. नहीं, वीडियो तो रहेंगे हिंदी मराठी, हिंदी में तो कंपलसरी रहने वाले हैं. जो महाराष्ट्र में से जो है ना जुड़े हुए, उनके लिए पूछ रहा हूँ मैं. मराठी में भी अगर वीडियोज आएंगे ना तो क्या है ना, मराठी ऑडियंस जो है ना अपनी, मराठी वाले जो भी जितने भी महाराष्ट्र में ट्रेडर है वहाँ तक भी शायद हो सके तो पहुँच जाएंगे. हिंदी में तो रहेगा, स्ट्रीम तो रहेगा हिंदी में, और जो मराठी है, जो मराठी में मेरे से चैट करेंगे, बात करेंगे, तो उनके लिए मैं मराठी में जवाब दे दूँगा. ऐसा कुछ नहीं है. हिंदी में रहेगा तो क्या है ना, जो भी नए भी जुड़ेंगे ना, तो अगर मैं मराठी में स्ट्रीमिंग में बात करूँगा तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और जो मराठी है उनको हिंदी में तो समझ में आता ही है. तो स्ट्रीम तो हिंदी में ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो बाद में भी स्ट्रीम देखते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए. अपने ग्रुप में देखो दुषार सर है जो दिल्ली से है, उनको मराठी पता नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं बोला. देखो पूरा साइडवेज जा रहा है अभी तक मार्केट. अभी मूवमेंट जब आएगा ना तो 12 बजे के बाद में ही हो सकता है कुछ मूवमेंट. स्लो एंड स्टडी पॉजिटिविटी दिखा रहा है मार्केट, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव ही जाएगा या नेगेटिव जाएगा. मला चालेल मराठी. ओके. टेलीग्राम में कुछ जुड़े क्या? अभी देखता हूँ मैं. माय पब्लिक कल नए ज्वाइनिंग हुआ है कुछ, मिनल के, धनश्री मोरे, प्रीति दाबाडे, निक, यश चौधरी. अच्छा यश भाई तो अपने पुराने ही है. नहीं, 4 दिसंबर को ज्वाइन हो गए. जितने भी से अपने टेलीग्राम चैनल से नए लोग जुड़े हैं ना भाई, सब जो मेंबर है ना, सबको वेलकम है. वेलकम टू गोल्डन बुल्स कम्युनिटी. सबका स्वागत है भाई अपने चैनल पे. ऐसे जुड़े रहो, अर्निंग करते रहो लर्निंग के साथ में. नया सीखने को मिलेगा जो एक्चुअल में मार्केट में वर्क करता है, वो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. जिस किसी ने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देना, और हो
सके तो अपने स्ट्रीम को भी ये करो ना, शेयर कर दो अपना फ्रेंड सर्कल जो रहेगी ना, जो लाइव स्ट्रीम देखते होंगे किसी के, उनको सेंड कर दो, शेयर कर दो, तो वो भी जुड़ पाए अपनी लाइव स्ट्रीम को। सेलर हट नहीं रहे अभी तक। बैंक निफ्टी में भी सेलर जो है बिल्कुल हट नहीं रहे, वो आराम से पैसा छाप रहे हो। देखो यही भी घूम रहा है मार्केट साइडवेज। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से एक एम पैटर्न दिखेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एम पैटर्न दिखेगा ऐसा। है ना, ये एम पैटर्न दिख रहा होगा अभी सबको। इसमें भी फंसेंगे काफ़ी लोग कि भाई चलो एम पैटर्न दिख रहा है, एम पैटर्न दिख रहा है, चलो घुस जाओ घुस जाओ। पाठौली लिंक तो से, ओके थैंक यू अनीता जी। ऐसे चैनल को ग्रो करने में मदद करो सब लोग। देखो अभी ये एम बी अगर किसी को दिख रहा है ना, तो जब तक ये लो नहीं ब्रेक करेगा ना तो एंट्री नहीं बनेगी, है ना। अगर यहाँ से ब्रेक भी करता है तो भी हम ट्रेड नहीं लेंगे आज। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो ये नीचे सपोर्ट है ना, यहाँ से बाउंस कर रहा था ना बार बार, बस यहाँ से ब्रेक करने के बाद बस यहाँ तक आएगा फिर बाउंस करेगा, इसलिए हमें एंट्री नहीं बनानी है अगर ये लो ब्रेक भी करता है तो। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग देख रहे होंगे यहाँ पे बन रहे हैं। ये फंसा सकता है यहाँ पे, ये लो ब्रेक कर रहा हूँ मैं, नीचे जा रहा हूँ, यहाँ तक आएगा फिर बाउंस करेगा। साइडवेज 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 पूरा साइडवेज।
आपने भी कभी नोटिस किया होगा ना, इससे पहले ऐसे साइडवेज मार्केट में ज़्यादा लॉसेस होते हैं ना, सब लॉसेस कहाँ पे करते हैं साइडवेज मार्केट में, उनको समझ में ही नहीं आता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट दिखाता कुछ है करता कुछ है, ऐसा ये वाला फेज सबने फेज ये किया होगा ना, फेस किया होगा ना ये वाला फेज साइडवेज का, और ज़्यादा एसएल दिया होंगे ना इससे पहले, बहुत लोगों ने किए होंगे साइडवेज मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल जाते हैं, ज़्यादा एसएल कटते हैं। किसने किसने लॉसेस किए साइडवेज मार्केट में, सबसे ज़्यादा लॉसेस किसके हुए हैं साइडवेज मार्केट में? मेरे पर उसके बाद ही डिसिप्लिन आया है। ओके तुषार सर, मार्केट में देखो डिसिप्लिन होना ही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आप डिसिप्लिन सीख जाओ ना, उस दिन एक स्टेप जो है ना, आप मार्केट के प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ एक पैर एक कदम बढ़ चुके हो। फिर मार्केट में ऐसे टाइम पे पैसा न खोना भी प्रॉफिट ही है एक तरीके से। अभी तक हम प्रॉफिट में ही है क्योंकि हम लॉस नहीं ले लॉस लिया नहीं है अभी तक, वो हमारा एक तरीके से प्रॉफिट ही हो गया है ना। कौन मानता है ये बात, कौन कौन मानता है ये बात? सौरभ सर, यस
मार्केट ने अभी तक कोई ट्रेड नहीं दिया है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है अभी तक। हमें चाहिए मूवमेंट जो मार्केट में नहीं है आज। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है मार्केट में, पूरा साइलेंट हो चुका है। साइलेंट अच्छा, आपने ग्रुप में कोई है क्या जिसको टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ मिला है या मिला था? सौरभ सर आपको मिला है क्या? होल्ड है के निकाल दिया? आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 1188। वो तो भयंकर मारा इसने, 1150 का लो लगा चुका है। नहीं मिला। बीकाजी फूड्स पॉजिटिव, उनो मिंडा पॉजिटिव। आज भी पॉजिटिव है देखो, ग्रेन्यूल्स बाकी के सेक्टर क्या कर रहे हैं? फ्यूचर तो अच्छा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स निफ्टी का। लगता है अपने को ऊपर के साइड मूवमेंट मिलने वाला है।
पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं। फ्लैट एफएमसीजी पॉजिटिव है, आईटी पॉजिटिव है, इसके ऊपर ही ट्रेड लेंगे अपन। कंफर्मेशन, कंफर्मेशन जब मिलेगा, मुझे जहाँ तक दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है अभी। ये 12 बजे के बाद है ना एक मोमेंट आता है मार्केट। देखते हैं सी कहाँ पे चल रहा है। बीस नौ सौ का जो कॉल साइड का है ना प्रीमियम, उसको ऐड करके रखना। बीस नौ सौ वाला जो कॉल है ना उसको ऐड करके रखना, जो 89.90 रुपीज़ चल रहा है, 20,900 का ये वाला। ये वाला प्रीमियम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। इस प्रीमियम में देखो, इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है, दिख रहा है सबको। देखा सबने ये पैटर्न प्रीमियम में। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये।
वॉचलिस्ट में ऐड कर लिया सबने। इसको सिर्फ ऐड करके रखना है, लेना नहीं है अभी फिलहाल। क्योंकि हमें चाहिए मूवमेंट, मूवमेंट आएगा तो लेने में मज़ा है। जिस तरह जिस साइड का अपने को ट्रेड दिखेगा उस साइड का लेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने सी लिस्ट करने को बोला है तो सी साइड ही मार्केट निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसा मार्केट दिखाएगा हम उस साइड चलेंगे, है ना। क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मार्केट जैसा दिखाएगा हम वैसे ही चलेंगे। जिस तरफ मार्केट निकलेगा हम उस तरफ खोलेंगे। ट्रेंड लाइन भी आ रहा है यहाँ पे भी, एक मुझे दिख रहा है कि ये वाला एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ना। इसमें घूम रहा है देखो मार्केट सुबह से, ये ट्रायंगल पैटर्न बोला था ना मैंने, यहाँ पे सबको एम पैटर्न दिख रहा होगा। लेकिन कंफर्मेशन कब आता है ये, अगर इसके नीचे निकलता ना क्लोजिंग देता, लेकिन फिर भी नीचे के लिए अपने को टारगेट नहीं थे ज़्यादा। अगर दिखा भी देता यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए होंगे एम पैटर्न देख के, कि अभी नीचे जाएगा नीचे जाएगा, कहीं भी नहीं गया मार्केट देखा। ये वाला पैटर्न हटा देते हैं अपन, यम वाला भी हटा देते हैं। अभी देखो एक तरीके से ये वाला जोन जो है ना, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाई और ये लो है ना, इसके बीच वाला, ये जो है ना, ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन है हमारे लिए। या तो इसके नीचे निकले, लेकिन नीचे सपोर्ट है तो पी साइड का हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। और ऊपर की साइड अगर निकलना है तो ये ट्रेंड के साथ में हो जाएगा अपना। तो इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा ये वाला जो हाई है, डे हाई आज का और ही डे लो, और एक एक तरह उसके बीच में वो चैनल बना के, ट्रायंगल पैटर्न बना के घूम रहा है।
अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट देखे भी ऐसा दिखा सकता है मार्केट, ऐसा दिखा के ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, एक मिनट, यहाँ पे जाके फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से रेंज में आएगा, फिर यहाँ आएगा, या तो नीचे की साइड में अगर जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये वाला, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे करके रेंज में घूमता रहेगा ऐसा। इसीलिए हमको वेट करना है प्रॉपर सेटअप का, अपने जब बनेगा तब लेंगे। तो पैटर्न दिख रहा है सबको, कैसे कैसे फंसा सकता है मार्केट, समझ में आ रही बातें? पैटर्न समझ में आया? नो ट्रेडिंग जोन समझ में आया? इसके नीचे या इसके ऊपर ट्रेड तभी बनेगा जब यह हाई तोड़ेगा डी हाई आज का, या डे लो तोड़ेगा, तब तक ही इसके बीच में कुछ भी नहीं बनेगा, कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? लर्निंग हो रही है, कैसे ट्रेड ढूंढते हैं, कैसे वेट करना है, तो सर यस ओके। कुछ नहीं करना है अपने को, अभी तक मार्केट ने कुछ भी दिया नहीं है। जब तक मार्केट कुछ देगा नहीं, जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक मार्केट कुछ अच्छा सेटअप दिखाएगा नहीं, तब तक हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे जबरदस्ती। नो मस्ती नो जबरदस्ती, आराम से बैठो, चार्ट को रीड करना सीखो, जब तक ट्रेड ढूंढो, जब तक ये सेलर जो है ना उनके एसएल नहीं कटेंगे, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उनके एसएल कटने चाहिए, तब जाके हमें कहीं पे मूवमेंट मिलेगा, तब तक हमें वेट ही करना है, वेट ही करना है, और वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट देगा नहीं कुछ। पूरा जो 2 दिन में पैसा छापा है ना सबने, वो खींच के लेगा वो वापिस, सूद समेत लेगा वो डबल।
भी नहीं चल रहा है, मार्केट साइडवेज है अभी भी। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी दोनों भी साइडवेज ही है फिलहाल। सेलर लोग पैसा छाप रहे हैं, बायर लोग बैठे हैं आराम से वेट कर रहे हैं बायर लोग। सेलर लोग जेबें भर रहे हैं अपने, पैसा छाप रहे हैं मस्त। दोनों साइड वो सेल करके बैठे, कॉल भी और पुट भी, दोनों साइड से पहले पैसा मिल रहा है उनको। अभी तक तो उन्होंने काफ़ी टाइम डी का जो है बेनिफिट उठाया होगा सेलर्स लोगों ने, कॉल साइड और पुट साइड। पुट साइड तो ज़्यादा नहीं मिला होगा उनको, कॉल जो शॉर्ट की होंगे उसमें ज़्यादा पैसे मिले होंगे। देखो ये जो प्रीमियम का अपन ने पैटर्न ड्रॉ किया था ना, उसके नीचे ट्रेड करने लगा है अभी कॉल 1900 का। तो देखते हैं और वेट करते हैं कब ट्रेड मिलता है। अभी भी रेंज में ही फंसा है मार्केट। अभी 10 मिनट में मूवमेंट तो आना चाहिए, 12 से 12:30 के बीच में एक मूवमेंट तो आता ही है मार्केट में। देखते हैं कब मिलता है मूवमेंट। देखो अपन ने अभी सुबह से जो इतना वेट किया ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, उनको ये वेट ही नहीं होता है उनके पास से, ये पेशेंस ही नहीं होता है उनके पास ये वेट करने का। ये स्किल जो है ना अपने में डेवलप करो, ये वेट करने के जो पेशेंस है ना, उसको पेशेंस को बिल्ड करो पहले। मार्केट में स्क्रीन के सामने बैठना ये सबसे बड़ा स्किल है एक ट्रेडर के लिए, वो भी बिना ट्रेड लिए। बहुत ज़बरदस्त स्किल है। यस यस बस अभी 4 मिनट और
12:30 बजने में 4 मिनट और बाकी है। देखते हैं कौन सी साइड हमें ट्रेड मिलता है। निफ्टी ने देखो ये चैनल का ब्रेकडाउन दिए दिया है, चैनल का ब्रेकडाउन दे दिया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी भी ये कोशिश कर रहा है इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देने की। अभी जो प्रीमियम मैंने बोला था वो 80 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, लेना नहीं है हमें अभी भी। एक ही ट्रेड लेंगे, क्वालिटी ट्रेड लेंगे, है ना। देखो ये जो था ना ये राइजिंग वेज था, है ना, एक तरीके से राइजिंग वेज, उसका ब्रेकडाउन। अच्छा जो स्ट्रीम में नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं स्ट्रीम में, वो स्ट्रीम को लाइक कर देना एक बार और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने भी नए जुड़ रहे लोग। देखो यहाँ से मार्केट नीचे तो आया था थोड़ी सी, ये प्रीमियम देखो कैसे होल्ड कर रहा है अभी। देखो प्रीमियम ज़्यादा नीचे नहीं गया है, 20,900 का। हालांकि एट द मनी वाला है ये, अभी भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन रहा है। इसलिए एनालिसिस वीडियो में बोला था मैंने मार्केट में करेक्शन की ज़रूरत है, अभी करेक्शन कर सकता है, रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है ऊपर की साइड के लिए। हम थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे अपर साइड के लिए, मार्केट एक साइडवेज जा सकता है। बैंक निफ्टी का तो एकदम क्लियरली बोल दिया था मैंने, ज़्यादातर साइडवेज ही रहेगा, वो निफ्टी के ऊपर नहीं जाने देगा। अगर निफ्टी पॉजिटिव भी है तो भी उसको मूवमेंट नहीं करने देगा। हालांकि निफ्टी के फ्यूचर जो है 21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
मार्केट फिर से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं बायर्स को। बीस हज़ार नौ सौ पे देखो 70 लाख था ओ आई जो पुट राइटिंग था 70 था, अभी 90 हो गया। यहाँ पे भी 21 पे बढ़ गया है, थोड़ा कॉल राइटिंग बढ़ गया है, पुट राइटिंग भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा 20,900 पे। ओ आई बिल्डअप बढ़ रहा है यहाँ पे। ब्रेक डाउन किया है प्रीमियम ने प्राइस ने, साढ़े बारह बज चुके हैं अभी, थोड़ा थोड़ा हल्का सा मूवमेंट आने लगा है मार्केट में। मिलेगा अच्छा ट्रेड मिलेगा तो लेंगे हम। बैंक निफ्टी अभी भी उसी रेंज में है। निफ्टी ट्राई कर रहा है अभी, देखो पुट राइटर 900 का जो पुट राइटर है डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कौन कौन पीसी से या लैपटॉप से कौन कौन ट्रेड करता है, पीसी और लैपटॉप वाले, मतलब प्रॉपरली वो जो सामने बैठ के ट्रेड करते हैं कौन कौन करता है पीसी और लैपटॉप से?
कोई नहीं है क्या? सब मोबाइल से ही करते हैं, मोबाइल से। अच्छी बात है। मोबाइल जो होता है वो सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया करो, सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए। मोबाइल में चार्ट नहीं देखा जाता, चार्ट देखने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप ही चाहिए, लैपटॉप हो चाहे पीसी हो, पर्सनल कंप्यूटर, दोनों में से एक चीज़ होना ज़रूरी है। देखा, फिर से एक बार बाउंस आया ना, यहाँ से दिख रहा था यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन क्यों नहीं लिया ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। लैपटॉप से अभी समझ में आया ट्रेड के पीछे का लॉजिक, न लेने का लॉजिक समझ में आया? क्यों नहीं लिया हमने ये वाला ट्रेड पी साइड का? मोबाइल और बाय सेल, ओके बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं ना मोबाइल से चार्ट में चार्ट देखते हैं, मोबाइल से उसी से बाय सेल भी करते हैं, चार्ट भी उसी में देखते हैं, तो गलत चीज़ है। मोबाइल से सिर्फ आपका बाय सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा।
फूड सेलर हार मानने को तैयार नहीं है अभी तक। पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं फूड राइटर्स, देखते हुए अभी तक क्या कहता है। देखो अभी 90 था ना, यहाँ पे 20,990 था, अभी 80 हो गया। जो कॉल राइटर है 21,000 का, वो अभी हिला नहीं है, वैसे के वैसा ही है। ये वाला जो है कम हो गया है। तो इससे क्या समझ में आता है, फुट राइटर थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, है ना। बैंक निफ्टी की होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, नीचे क्लोजिंग तो हो चुकी है अभी, लेकिन इस लो के नीचे क्लोजिंग जरूरी है अपने 880 के नीचे। ये प्रीमियम भी अपने सपोर्ट पे आ रहा है,
वो फिर से बाउंस किया। ऐसे ट्रैप करता रहेगा मार्केट। अभी भी कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनाया अपना। कुछ भी नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। प्रीमियम अभी पूरा मेल्ट हो चुके होंगे अभी तक।
अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। आराम करो जब तक। तो चलो दोस्तों, आज का स्ट्रीम यही ख़त्म करते हैं। लगता है अभी तक मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर कुछ मिलता है तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अगर कुछ मूवमेंट होता है, ये साइड में बिल्कुल जाना नहीं है। अगर यहाँ से ब्रेक करके निकला भी तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट से आप बनेंगे। यहाँ पे सब बायर बैठे होंगे। जब भी मार्केट आएगा बाउंस करेगा, तो इस साइड में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर कुछ मिलता है, अच्छा ट्रेड अगर मिलता है, ब्रेक डाउन तो कर रहा है, लो तो ब्रेक कर रहा है मार्केट। ऐसे घुसना मत किसी भी ट्रेड में। देखो यहाँ पे भी फंसाने की कोशिश की मार्केट ने। तो अगर कुछ मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर लूँगा। ठीक है, तो स्ट्रीम को यहीं पे ख़त्म करते हैं।